आई थिंक एज एन एक्टर ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपको इस तरह का किरदार निभाने के लिए मिले, और मुझे लगता है कि मैंने इससे पहले भी जितना भी काम किया अभी तक, मेरे ख्याल से मेरा जो सबसे फेवरेट कैरेक्टर था वो कृष्ण जी का ही था द्वारकाधीश में, और मुझे इस बार फिर से मौका मिला लॉर्ड विष्णु का, तो वो सारी मेमोरीज जो मैं रिलिव कर रहा हूँ। इस तरह का कैरेक्टर प्ले करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और जैसा कि विशाल ने कहा एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि इस तरह के कैरेक्टर्स आपको चुनते हैं, आप उनको नहीं चुनते, ये बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत अलग लेवल का चैलेंज है माइथोलॉजिकल कैरेक्टर प्ले करना, बिकॉज बहुत रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में हमको काम करके देना होता है। जब भी आप एक कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी पहनते हैं उस टाइम 100% आपको दिक्कत आती है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप इस तरह का किरदार निभा रहे हैं और अगर आप ऐसे कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी में ना हो तो आपकी वो परफॉर्मेंस कभी निकल के भी नहीं आती। मैं जब कृष्ण जी का भी रोल करता था मुझे बहुत लोग कहते थे कि कोई एक डायलॉग सुना दीजिए, मुझसे कभी कोई डायलॉग नहीं बोला गया ऑफ कैमरा, बिकॉज मुझे लगता है कि जब मैं ये सेटअप में पूरे इस पर रेडी होकर कैमरा के सामने जाता हूँ तो मुझे बहुत हेल्प करते हैं मेरी परफॉर्मेंस में। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा आई थिंक कॉन्ट्रीब्यूशन ज्वेलरी का और कॉस्ट्यूम का रहता है। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक जब हम ये ज्वेलरी या जो भी हेड गेयर मुकुट वुकुट पहन लेते हैं, इससे एक चीज़ मैं और सीखती हूँ कि जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको हम अक्रॉस नहीं दे सकते, मतलब हमको वो अपने अंदर ही रखना है और हमको एक स्माइल के साथ अपना काम करते रहना है। आई थिंक एज एन एक्टर अगर आप कोई भी अगर फिक्शनल रोल करें वो लोगों को तब तक याद रहता है जब तक वो टीवी पे आ रहा हो, लेकिन इस तरह के कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि अगर जिन्होंने भी आपका वो शो देखा होगा उन्हें आप हमेशा के लिए याद रह जाओगे कि हाँ उस शो पे विष्णु जी का रोल उसने किया था या लक्ष्मी जी का उसने किया था। तो आई थिंक इन शोज़ की मेमरीज जो है ना बहुत लंबे देर तक रहती हैं, तो वो किसी भी एक्टर के लिए आई थिंक ब्लेसिंग है कि अगर लोग उसे याद रखें। जैसे कृष्ण जी का शो को बहुत टाइम हो गया लेकिन अभी भी हर साल लोग मुझसे उस शो के बारे में ज़रूर पूछते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है कि लोग हमारे काम को याद रखें। आई थिंक ये स्टोरी ऑब्वियसली हम सबको पता है, हम सब ने पहले देखी है, लेकिन हमने जब देखी है 80s या 90s में देखी है तो उसका मतलब ये नहीं कि ऐसे शोज बनना बंद हो जाएंगे, बिकॉज जनरेशन तो आगे बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है कि हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह के शोज़ बार बार बनते रहने चाहिए ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इस तरह के शोज़ देख के अपने बारे में, अपने रिलीजन के बारे में, अपने रूट्स के बारे में काफ़ी कुछ नया सीख सकती हैं। तो मेरे ख्याल से हमेशा ये शोज़ बनते रहने चाहिए। इस शो में अलग ये होगा कि ऑब्वियसली सारे एक्टर्स नए हैं, इस बार टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बेटर है तो जो उसके जो VFX वगैरह का काम रहेगा वो बहुत बेटर रहेगा, और जो हमारे कृष्णा हैं वो नए हैं, आई थिंक बहुत हैप्पी, बहुत लाइवली चाइल्ड है, उसको लोग आई थिंक काफ़ी पसंद करेंगे। एंड ऑल्सो इस तरह के शोज़ इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि ये शोज़ सिर्फ आपको आप सीन्स को अप्रिशिएट करो या ज्वेलरी अप्रिशिएट करो उसके लिए नहीं है। आई थिंक इन इस पूरे शो के दौरान जो छोटी छोटी चीज़ें बोली जाएंगी या कही जाएंगी वो जीने का सार है। आई थिंक दैट्स द वे टू लिव। तो मेरे ख्याल से ऐसे शोज़ तो साथ में बैठ कर देखना चाहिए पूरे परिवार। बहुत प्यार से ये शो बनाया है और यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी इसको प्यार से देखें, हमको बहुत सारा प्यार दें। तो 19 जून से NTV पे मंडे टू फ्राइडे 8:30 PM प्लीज वॉच इट। कृष्णा, थैंक यू। हाय, दिस इज नेहा सरगम। प्लीज डू सब्सक्राइब टू टेलीचक्कर YouTube चैनल।